रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने देश के 50 विलफुल डिफॉल्टर्स के अड़सठ हजार करोड़ रुपए से ज्यादा माफ कर दिए हैं इस मसले पर आज कांग्रेस पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जवाब मांगा कांग्रेस पार्टी ने ये कहा कि इस लिस्ट में कई नाम ऐसे हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी माने जाते हैं इस सूची में जो नाम शामिल है उसमें मेहुल चौकसी नीरव मोदी और विजय माल्या का नाम भी शामिल है दरअसल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने साकेत गोखले की आर के जवाब में ये सूची उपलब्ध कराई है जिसमें पचास ऐसे लोगों के नाम शामिल हैं जिनके कर्ज माफ किए गए हैं इस आरटीआई के जवाब में इन डिफ़ाल्टर्स के नाम और 16 फरवरी तक उनके कर्ज को मौजूदा स्थिति की जानकारी दी गई है कांग्रेस पार्टी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस मसले को उठाते हुए कहा कि अब जब ये जानकारी सार्वजनिक हो चुकी है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस पर जवाब देने चाहिए उन्होंने कहा कि जब सरकार कर्मचारियों को जिसमें सेना के लोग भी शामिल हैं उनका महंगाई भत्ता रोक देती है उस समय बैंक डिफॉल्टर्स और भगोड़े को इतनी बड़ी रकम माफ क्यों कर दी गई है कांग्रेस पार्टी ने यह भी कहा कि ये सवाल पार्टी के नेता राहुल गांधी ने संसद सत्र के दौरान भी उठाया था लेकिन सरकार ने इस सवाल का जवाब नहीं दिया आरटीआई के अनुसार 30 सितंबर को 50 डिफाल्टर्स का कर्ज माफ कर दिया गया है कांग्रेस पार्टी ने अपनी मांग को दोहराते हुए कहा कि सरकार एक लाख करोड़ रुपए का पैकेज राज्य सरकारों को दे जिससे राज्य सरकारें कोरोना वायरस से निपट सके